नमस्कार, मेरा नाम कल्पना सालवी है। मैं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन के पद पर हूँ। आज मैं आपको फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, जो कि पंजाब में होती है, उसके बारे में जानकारी दूंगी। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी की अगर हम बात करें तो यह बेसिकली पंजाब में की जाती है और यह एक रूरल ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट है जो ओढ़नी पे और शॉल पे किया जाता है और पंजाबी महिलाओं द्वारा इसको पहना जाता है। फुल का मतलब होता है फ्लावर और कारी का मतलब होता है वर्क, तो फूल का काम जो हम कहते हैं उसको फुलकारी कहा जा सकता है। दूसरी बात करें तो इसमें जो कलर यूज किए जाते हैं वो बेहद ही ब्राइट कलर यूज किए जाते हैं, मेनली रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन एक्सेट्रा। फुलकारी जो है बहुत ही एक क्लोदिंग का आइटम है, नहीं है ये एक सोशल और रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशनल से जुड़ा हुआ फैब्रिक है। ओरिजिन की बात करें तो फुलकारी जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ? फुलकारी जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जाट के माइग्रेशन से आया और ये क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया के लोगों द्वारा एक्सेप्ट किया गया प्राचीन टाइम पे, एशियन टाइम्स में। इसमें जो टेक्निक्स और पैटर्न्स हैं फुलकारी में वो डॉक्यूमेंट नहीं किए गए थे, बट माउथ से इसको ट्रांसफर किया गया था, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से, कि ये किस तरह से होता है, इसमें कैसी टेक्निक्स होती है। और हर रीजनल ग्रुप में इस यूनिक एम्ब्रॉयडरी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है क्योंकि बहुत ही डिफरेंट टाइप की एम्ब्रॉयडरी होती है और कोई भी नॉलेजेबल टेक्सटाइल रिलेटेड पर्सन इसको देख के पहचान सकता है कि हाँ, दिस इज द एक्चुअल फुलकारी एम्ब्रॉयडरी। ट्रेडिशन की बात करें तो इसमें जो ट्रेडिशन होता है फुलकारी से, जो अटैच ट्रेडिशन है वो सिख बेसिकली सिखों के द्वारा उनसे जो उनके ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है और बाद में ये हिंदूज और मुस्लिम्स में ट्रांसफर किया गया था, क्योंकि इतना ब्यूटिफाइड ओढ़ना जो होता है वो पहले तो सिखों की महिलाओं द्वारा पहना जाता था पर बाद में हिंदू और मुस्लिम्स द्वारा भी इसको पहना जाने लगा। और ये एक ज्योग्राफिकली और स्पेसिफिक रिलीजियसली स्पेसिफिक बन गया कि हाँ, ये बहुत ही ब्यूटिफाई किया हुआ ओढ़ना है। आप पीछे की स्लाइड में देख सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे पंजाब में ये होता है और इसके जो मेजर इतने ग्रुप्स हैं वो है बालूची, पश्तून, पंजाबी और सिंधी। फुलकारी के इतिहास की बात करें तो फुलकारी जो है वो इसके पीछे एक फेमस पंजाबी फोक लोर जुड़ी हुई है। हीर रांझा की स्टोरी तो सभी लोग जानते हैं, जो एक बहुत ही फेमस लव टेल है जो वारिस शाह ने लिखी थी। वो उनके जो एंसेस्टर है वो इंडिया में ईरान से माइग्रेट हुए और 15 सेंचुरी से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बढ़ गई जब महाराजा रणजीत सिंह रैन का शासनकाल हुआ करता था। इसमें जो एम्ब्रॉयडरी जो है वो विमेन की लाइफ का एक तरीके का रिफ्लेक्शन देती है। इस एम्ब्रॉयडरी में आप देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वेजिटेबल्स और खाने की चीजों का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। एम्ब्रॉयडरी के मोटिव्स के लिए एनिमल्स किस तरह से बनाए गए हैं, किस तरह से एम्ब्रॉयडर किए गए हैं, और हर वुमेन का एक अलग तरीका होता है इस एम्ब्रॉयडरी को रिप्रेजेंट करने का। आप पीछे देख सकते हैं कि सिर्फ 1905 की एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें सभी महिलाओं ने एक जैसी फुलकारी की ओढ़ने पहने हुए हैं, पंजाबी महिलाओं ने। अब इसके मटेरियल्स की बात करें तो ये कॉटन फैब्रिक से बनता है जिसको खद्दर कहते हैं, और खद्दर मैन्युअली स्पिन किया जाता है, फिर लूम पे इसको, हैंड लूम पे इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसको नेचुरल पिगमेंट डाई से डाई किया जाता है। एक्चुअल एम्ब्रॉयडरी जो है वो पट पे की जाती है, द पंजाबी वर्ड फॉर अनट्विस्टेड फ्लॉस सिल्क यार्न। और ये जो यार्न है वो चाइना से सोर्स किया जाता है और अफगानिस्तान
और अफगानिस्तान से भी सोर्स किया जाता है, बाद में जम्मू और कश्मीर में इसको डाई किया जाता है। फुलकारी की इम्पोर्टेंस की बात करें तो फुलकारी जो है एक पंजाबी गर्ल की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कि अगर एक किसी पंजाबी के घर में एक बेटी का जब जन्म होता है तो उसकी ग्रैंड मदर उसी टाइम से फुलकारी उसकी शादी के जोड़े के लिए बनाना शुरू कर देती है। और जब वो लड़की जब शादी करती है और उस ओढ़नी को पहन के चलती है तो उसकी बहुत सारी एक ग्रैंड मदर के बहुत सारे इमोशंस उसके साथ जुड़े होते हैं। दूसरी चीज, एक पंजाबी फीमेल जब जन्म लेती है तब भी सबसे पहले एट द फर्स्ट टाइम ऑफ डिलीवरी उसको ये ओढ़ना उड़ाया जाता है एज अ रिलीजियस फेस्टिवल जब जब होते हैं। और सबसे लास्ट जब वह महिला की मृत्यु होती है तो उसकी जो बॉडी है वो भी फुलकारी के कवरिंग में ढकी जाती है। तो देखिए कैसा कनेक्शन है जन्म से लेके मृत्यु का। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन ट्रेडिशंस में। उसके बाद में बात करें तो फुलकारी जो है वो कभी भी इसकी एम्ब्रॉयडरी सेल के लिए नहीं होती। हालांकि अभी तो काफी कमर्शलाइजेशन हो गया है तो कमर्शियली भी बनाई जा रही है, बट यूजुअली ये पंजाबी महिलाओं के द्वारा घर में ही बनाई जाती है और फैमिली के लोग इसको घर में ही यूज करते हैं। कलर्स की इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो खद्दर है वो चार कलर का हो सकता है। पहला वाइट जो विडो वुमेन्स के लिए होगा, रेड जिसका यूज यूथ के द्वारा और ये बहुत ही विस्पर्ड टोन है, ब्लैक और ब्लू कलर जो है वो डेली पहने जाते हैं ताकि स्टेन और डर्ट इसमें दिखे ना, क्योंकि दिन भर खेती का काम भी करती है महिलाएं, घर के कामों में भी व्यस्त रहती है तो ब्लैक और ब्लू कलर में स्टेन्स एंड डर्ट्स कम दिखाई देते हैं। उसके बाद में कलर्स और थ्रेड्स की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो रेड जो है वो पैशन को सिंबलाइज करती है, वाइट को प्योरिटी सिंबलाइज करता है, गोल्डन और येलो डिजायर और अबंडेंस, ग्रीन सिंबलाइजेस नेचर एंड फर्टिलिटी, ब्लू सिंबलाइजेस सेरेनिटी, पर्पल सिंबलाइजेस द सिंबायसिस बिटवीन रेड्स एनर्जी एंड ब्लू का। मतलब ये कहा जाता है कि रेड जो है एनर्जी को शो कर रहा है और ब्लू इज शोइंग कामनेस। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, इसके अगर मोटिव्स जो है वो बेसिकली फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल होते हैं। मोटिव्स जो है बहुत ही सिंपली ड्रेप किए जाते हैं और इसमें क्या होता है कि बक के पीसेस जो होते हैं उनको कंपोज करके और फ्लावर और ज्योमेट्रिकल डिजाइन से इनको बनाया जाता है और वुमेन के ओढ़ने पे इसको एम्ब्रॉयडर किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, स्पेशली अ काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड बग। आप मोटिव देख सकते हैं, पहला मोटिव है इसको मिर्ची कहा जाता है, एक वेलेनियन मोटिव है, एक गुलकैरियन मोटिव है और चौथा जो है वो टिन मोटिव है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाएंगे, अब इसके पॉपुलर मोटिव जिनका बेसिक जो पंजाबी नेम है, पहला जो मोटिव है द मोटिया, जैस्मिन फ्लावर्स को कहते हैं, सूरजमुखी सनफ्लावर, द गेंदा मारीगोल्ड, लोटस प्लांट कमल, करेला बिटर गॉड, गोभी कॉलीफ्लावर, धनिया कोरिएंडर, कनकी वीट, मिर्ची चिली, लहरिया बग वेव और मोर पिकॉक। ये जो है ये इसके बहुत ही पॉपुलर मोटिव है जो फुलकारी एम्ब्रॉयडरी में यूज किए जाते हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि मोर का मोटिव, मिर्ची का मोटिव, ये सारे मोटिव पीछे के फुलकारी के दुपट्टों में आप देख सकते हैं। आप एक और बहुत ही सुंदर सैंपल्स आप देख सकते हैं पीछे की स्लाइड में। टेक्निक्स की बात करें तो ये क्या होता है कि एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो खद्दर पे की जाती है जो बहुत ही इरेगुलर थिकनेस का होता है और इसमें 10-12 वाफ थ्रेड्स पर सेंटीमीटर यूज किए जाते हैं। खद्दर जो है वो नैरो स्ट्रिप्स में इसको वो वीव किया जाता है और बाद में इसको रिक्वायर्ड विड्थ के अकॉर्डिंग सिला जाता है। इसमें जो डिजाइन और सिमेट्रीज है वो क्रिएट की जाती है बैक और फेस ऑफ द क्लोथ से, मतलब पीछे और जो फेस पार्ट होता है क्लोथ से उसके,
और इसके बाद में क्या होता है, ये बहुत ही इजियर होता है, हो जाता है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। तो पहले फैब्रिक को लिया जाता है डाई के लिए, बेस फैब्रिक जो होता है। फिर क्या होता है कि इसके साथ सिल्क की प्रिपरेशन की जाती है, सिल्क थ्रेड की प्रिपरेशन की जाती है ताकि वो डाई हो जाए, सो दैट द वार्प्स एंड वेफ्ट ऑन द लाइटर कलर्स आर क्लियरली विजिबल। टेक्निक्स की बात करें, इसमें कभी कभी कुछ पैटर्न्स एम्ब्रॉयडर किए जाते हैं, वो पहले बनाए जाते हैं फैब्रिक पे और फिर खद्दर पे किए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होता है, पैटर्न्स टू बी एम्ब्रॉयडर वर नॉट ड्रॉन ऑन द फैब्रिक बिफोर हैंड। द एम्ब्रॉयडर हैड टू काउंट ईच थ्रेड ऑफ द खद्दर विथ मेटिकुलस केयर टू बी बिल्ड द डिजाइन। और जब व्हेन अ सेक्शन ऑफ एम्ब्रॉयडरी वॉज कम्प्लीटेड, जब एक एम्ब्रॉयडरी का एक सेक्शन कम्प्लीट हो जाता है, तो द फैब्रिक वॉज रोल्ड इन अ क्लीन वाइट क्लोथ। फिर क्या होता है, जो फैब्रिक होता है उसको एक क्लीन वाइट क्लोथ में रोल किया जाता है ताकि वह सॉइल से बचे, गंदा ना हो और अन एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट उसका बचा रहे। अब ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, ये फुलकारी का जो है वो ब्लॉक प्रिंटेड पैटर्न है फुलकारी का। ये एम्ब्रॉयडरी देखिए बहुत ही सुंदरता से की जा रही है। इसमें स्टिच काउंट किए जाते हैं कि किस तरह से स्टिच इसमें लिए जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि यह एक चोप है और एक बीज खद्दर है। जब ये पीस को बनाने से, डाई करने से पहले का जो होता है वो है, और फिर ये फुलकारी जो है वो रेड खद्दर पे की गई है, प्रोबेबली आफ्टर द स्टिचिंग। अब स्टिचेस की बात करें, डार्निंग स्टिच इसमें की जाती है, वो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक है। और इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ पीस जो होता है वो उसमें जो स्टिचिंग की जाती है वो अकॉर्डिंग टू विड्थ की जाती है, और नैरोएस्ट जो होता है वो स्टिच होता है और पीस जो होता है वो फाइनेस्ट होता है। और इन ऑर्डर टू क्रिएट एन अनयूजुअल डिजाइन और टू बॉर्डर द खद्दर, सम अदर स्टिचेस लाइक हेरिंग बोन स्टिच, रनिंग स्टिच, होल बिन स्टिच और बटन होल स्टिच वर ओकेशनली यूज। ये कुछ बेसिक स्टिचेस है जो इसमें यूज की जाती है। और मोटिव को फिल करने के लिए साटन स्टिच है जो हमने चिकनकारी में भी यूज किया था, और वेरिएशन जो है वो एज टॉप स्टिच वॉज प्रेफर्ड। ये देखिए, ये इसमें रनिंग स्टिच का मोटिव मैं आपको बता पाऊंगी, बटन होल स्टिच लास्ट कॉर्नर की जो साइड्स है उसमें है, डार्निंग स्टिच जो है मिड में है, क्लस्टर स्टिच जो ये फूल के बूंदे इसमें लटक रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं। फुलकारी कितने टाइप की होती है, फुलकारी की बात करें तो फुलकारी जो है मेनली टू टाइप्स की होती है। बाग लिटरली इसका मीन्स होता है गार्डन ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का बाग। और इसका जो टर्म है वो फ्लावर फुलकारी इज दैट द एम्ब्रॉयडरी इज so profuse that the ground color is no longer visible, thus the embroidery become the fabric itself. इसमें क्या होता है, ground color visible नहीं होता है तो embroidery अपने आप में खुद में ही fabric बन जाता है। Second जो होती है वो चोप जो है होती है वो usually border पे की जाती है, और it is gifted to the bride by her grandmother during some ceremony before wedding. चोप जो है वो embroidery straight एम्ब्रॉयडरी की जाती है टू साइडेड लाइन स्टिच से, जो बाद में अपीयर सेम ऑन द बोथ साइड। और फुलकारी में जो बग होता है उसमें वैरायटी ऑफ कलर्स दिखते हैं, और चोप जो है वो जनरली एम्ब्रॉयडर्ड विद वन कलर। मतलब मेजर डिफरेंस की अगर बात करें चोप और बग में, तो बग में जो है वो वैरायटी ऑफ कलर्स दिखते हैं, चोप जो है वो सिंगल कलर से की जाती है। आशा है मेरा आपको आज का प्रेजेंटेशन काफी पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट YouTube वीडियोस और लेक्चर के लिए आपके पास
अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू सो मच।